बिग बॉस 17 में एक बार फिर मुनव्वर के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। आयशा खान ने दोबारा मुनव्वर फारूकी पर कई आरोप लगाए और कॉमेडियन अपना बचाव भी नहीं कर पाए। दरअसल हुआ यूं कि मुनव्वर फारूकी ने पर्सनल रीजन बताते हुए आयशा पर आरोप लगाया कि वो नेम फेम के लिए बिग बॉस 17 में आई और उन्होंने आयशा को नॉमिनेट कर दिया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि आयशा ने बिग बॉस खत्म होने के चंद दिनों पहले मुनव्वर फारूकी के राज खोलने शुरू कर दिए। अब ये राज है या बस इल्जाम, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आयशा ने घर वालों को बताया कि मुनव्वर ने अपनी एक्स वाइफ को भी धोखा दिया था, वो भी नाजिला के लिए। आयशा ने ये भी दावा किया कि ये बात उन्हें नाजिला ने खुद बताई है जब नाजिला आयशा के घर पर आई थी। अंकिता, ईशा और अभिषेक के साथ बात करते हुए आयशा ने कहा कि मुनव्वर ने एक लड़की को रिश्ता भी भेजा और उस वक्त नाजिला को वो डेट कर रहा था। फिर अंकिता ने पूछा कि आप नाजिला और वो लड़की एक साथ मुनव्वर की जिंदगी में थे, तो आयशा ने इस पर कहा कि हाँ। जिसके बाद अगले दिन मुनव्वर ने आयशा से बातचीत की और सभी घर वालों के सामने माफी भी मांगी। वहीं कई इल्जामों को गलत भी बताया, वो इस दौरान रो भी रहे थे। वहीं सोशल मीडिया में आयशा की गुस्सा करते हुए कई सारे क्लिप वायरल हो रहे हैं, लेकिन उन सभी क्लिप्स में मुनव्वर को पब्लिक सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। एक सपोर्टर ने लिखा कि आयशा घटिया गेम खेल रही है, आई एम फीलिंग बैड फॉर मुनव्वर। वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि मुनव्वर भाई विल बी द विनर। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आयशा खान के आरोप में कितनी सच्चाई है और इन सब पर मुनव्वर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, कौन सही है, आयशा या मुनव्वर? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।